गरीब का नया साइकिल। गोपालापुर नामक गांव में चंदूलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता था। कॉलेज जाने के लिए उसे 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता था, लेकिन उसके दोस्त साइकिल पर कॉलेज जाया करते थे। एक दिन चंदूलाल कॉलेज पैदल जा रहा था, तब उसका दोस्त राजू साइकिल पर जाते हुए रुककर कहता है, हे चंदू, कॉलेज जा रहे हो? चलो दोनों साइकिल पर चलते हैं। नहीं यार, पैदल चलना मेरी आदत है, तुम जाओ, कहकर राजू को भिजवा देता है। चंदूलाल को कॉलेज पहुंचने में देरी हो जाती है। तब कॉलेज का प्रिंसिपल चंदूलाल को देखकर कहता है, चंदूलाल, घड़ी देखा या नहीं? कॉलेज समझा या घर? अपने मनमर्जी आने के लिए? तुम अच्छे विद्यार्थी हो, टाइम मेंटेन नहीं करोगे तो अपना भविष्य पर बुरा असर होगा। इस बार के लिए परमिशन दे रहा हूं, जाओ। सॉरी सर, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, कहकर क्लास को चला जाता है। क्लास से यह सब कुछ देखकर राजू चंदूलाल से कहता है, मेरे साथ चलने के लिए कितना कहा, अब देखा प्रिंसिपल से डांट पड़ गई ना। आज के लिए तुम छोड़ देते, कल परसों कैसे आऊंगा? हर दिन मुझे लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, कहकर अपने बेंच पर बैठ जाता है। चंदूलाल भी अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। क्लास स्टार्ट होती है। थोड़ी देर बाद लेक्चरर क्लास खत्म करके चली जाती है। कॉलेज के बाद सारे स्टूडेंट्स अपने अपने साइकिल पर चले जाते हैं, लेकिन चंदूलाल पैदल घर पहुंचता है। रात के समय चंदूलाल सोने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल की बातें याद कर उसे नींद नहीं आती। चंदूलाल सोचता है, कितना भी कोशिश करो, पैदल जाने की वजह से टाइम पर कॉलेज पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हर दिन मेरे फ्रेंड्स के साथ साइकिल पर कैसे जा सकता हूं? मेरे घर वालों की इतनी हैसियत कहां कि मुझे साइकिल खरीद कर दें, लेकिन पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए भी तो नहीं मानेंगे। कहते हैं हम तो अनपढ़ हैं, तुम पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पाओगे तो हमारी अच्छी से देखभाल कर सकते हो, इसलिए ज्यादा मेहनत करके तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा सोचते हुए सुबह हो जाती है। रात भर ना सोने के कारण चंदूलाल कमजोर हो जाता है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा चंदूलाल, क्या हुआ? कब तक बिस्तर पर पड़े रहोगे? कॉलेज के लिए देरी नहीं हो रही? पहले इतनी दूर चलकर जाना है। तुम्हारे पिताजी सुबह ही काम ढूंढने के लिए पड़ोस के गांव चले गए। माँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई, पिताजी ने जाने से पहले मुझे बताया नहीं। ठीक है, उसने सोचा होगा कि तुम सो रहे हो, वैसे भी रात में वापस आ जाएंगे, बस अच्छा सा काम मिल जाए। अब जल्दी से उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं आज कॉलेज जाना नहीं चाहता हूँ, हर दिन पैदल जाने की वजह से बहुत लेट पहुँच रहा हूँ, मेरी क्लासेस भी मिस हो रहे हैं, आज तो प्रिंसिपल सर ने भी डांटा है। हाय रे, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल पड़ी। हमारे जैसे गरीब के घर पैदा होने से कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इससे अच्छा कि तुम किसी धनिक परिवार में होते तो तुम्हारे जीवन सुखी रहता। कहकर रोने लगती है। माँ, अरे क्यों छोटे बच्चे की तरह रो रही हो? आप मेरी अच्छी माँ हो, दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन माँ का प्यार नहीं। जन्म जन्म के लिए आप ही मेरे माँ बाप हो। मैं अच्छे से पढ़ाई करके आप दोनों को एक बड़े से बंगले में रखूंगा और कार में घुमाऊंगा। भगवान ने हमें इतने अच्छे दिल वाली बेटी को देकर मेरा जन्म धन्य कर दिया। मेरा बेटा तो सोना है सोना, तुम्हारे अच्छे दिल के लिए भगवान जरूर मदद करेगा। माँ, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, इतना कहकर चली जाती है। फिर चंदूलाल बिस्तर से उठकर तैयार होकर बाहर निकलता है तो तभी एक लड़का अपने छोटे से साइकिल पर जाते रहता है। उसे देखकर चंदूलाल अपने मन में सोचता है, वाह, कितनी अच्छी किस्मत है, बचपन से ही साइकिल चला रहा है, बड़ा होकर तो मोटर बाइक चलाएगा। इस तरह सोचते रहता है।
इतने में अचानक आगे से एक लॉरी बच्चे के ऊपर आने लगती है। चंदूलाल तुरंत ही दौड़कर उस बच्चे को आगे से हटाकर बचा लेता है। वह बच्चा घबराकर रोते रहता है। तब रो मत बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? अभी तुम्हें घर पहुंचा देता हूं, कहकर उस बच्चे को लेकर जाता है। बच्चे को देखकर उसकी मां हैरान हो जाती है। क्या हुआ? अब मेरे बच्चे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपका बच्चा तो होने वाले एक्सीडेंट से बच गया। एक लॉरी आकर मारने वाली थी तो मैंने आपके बेटे को बचाया। आप अभी निश्चिंत हो जाइए, कहकर घर चला जाता है। शाम के वक्त चंदूलाल अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करते रहता है। अचानक उसके घर के सामने एक कार आकर रुकती है। उस कार में से बाहर आए वो लड़का और उसकी माँ उनके पीछे कॉलेज के प्रिंसिपल को देखकर चंदूलाल हैरान हो जाता है। तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है। तुम होनहार, काबिल और मेहनत करने वाले स्टूडेंट ही नहीं, बहुत धैर्यशाली भी हो। इसीलिए तुम्हारे लिए छोटा सा भेंट है, ना मत करना, कहकर एक साइकिल देता है और चंदूलाल की मां से कहता है, माँ जी आपका बेटा बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, वो जितना भी पढ़ना चाहे उसका सारा खर्चा मैं ही देख लूंगा। इसकी पढ़ाई के लिए कोई अड़चन आने नहीं दूंगा। आपको जब भी कुछ भी जरूरत हो तो बताना। अच्छा चंदू, कल कॉलेज में मिलते हैं, कहकर चला जाता है। यह सुनकर चंदूलाल की खुशी की सीमा नहीं होती। अगले दिन चंदूलाल साइकिल से सबसे पहले कॉलेज पहुंच जाता है। उसकी नई साइकिल को देखकर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत अच्छी है। तब चंदूलाल प्रिंसिपल के पास जाकर कहता है, यह सारी खुशी आपके कारण है सर। इस तरह प्रिंसिपल आशीर्वाद देता है कि तुम इस नए साइकिल से समय पर कॉलेज पहुंचकर अपने भविष्य में ऊंचाइयों को छूना।